हल्क एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखते ही हम सबके अंदर एक जोश सा आ जाता है। हल्क जाना जाता है उसके गुस्से की वजह से, लेकिन करंट सिनेरियो में मेकर्स ने उसे एकदम खराब सा कर दिया है। और तो और हल्क का अब तक का सबसे पावरफुल और खतरनाक वर्जन तो हमें दिखाया ही नहीं गया है। वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी सिविल वॉर के बाद की है। इस स्टोरी लाइन में हल्क को सकार नाम के एक प्लैनेट पर फेंक दिया जाता है। हल्क को वहां फेंकने का काम इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का था, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन भी शामिल थे। सकार पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स थे जिनसे हल्क को लड़ना पड़ता था। वहां के राजा ने हल्क को अपना गुलाम बना लिया और फिर वो उसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स से लड़वाता। ऐसा करते करते उसने अपनी एक टीम भी बना ली सबसे पावरफुल वॉरियर्स की, और उस राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और फिर हल्क सकार का राजा बन गया। वहां पर उसकी शादी कायरा नाम की एक लड़की से हो जाती है। बाद में हल्क के दो बेटे भी होते हैं। हल्क की लाइफ अब काफी अच्छी हो गई थी। फाइनली हल्क अब खुश था। लेकिन एक दिन वहाँ एक चीज एक बॉम्ब आ गिरता है, जिसके फटने से उसका प्लेनेट तबाह होने लगता है। वहाँ के सभी लोग उस विस्फोट से मारे जाते हैं, और तो और उसकी वाइफ कायरा भी मर जाती है। हल्क को लगता है कि उसकी इस दुनिया को तबाह करने का काम धरती पर रह रहे उसके दुश्मनों यानी इल्यूमिनाटी ने किया है। इतना सब झेलने के बाद हल्क इतने गुस्से में आता है कि उस पर एक खून सवार हो जाता है कि अब वो पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर देगा। हल्क को जितना गुस्सा आता है वो उतना ही पावरफुल होता जाता है, और अब हल्क अपने गुस्से के सबसे टॉप लेवल पर था। इन इवेंट्स के चलते हल्क मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। वो बन गया था द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क।